बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करेंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को अपनी टीम की घोषणा की है, जिसमें राज्य के दोनों कद्दावर नेताओं को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। नड्डा की टीम में महाराष्ट्र के कुल 8 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें से मुंबई की संजू वर्मा और नंदुरबार के सांसद हीना गावित को प्रवक्ता बनाया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने 2 माह पहले जब अपनी टीम की घोषणा की थी, उस समय पदाधिकारियों की लिस्ट में तावड़े मुंडे का नाम नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था। इसको लेकर आरोप भी लगे थे। उस समय सफाई देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की इच्छा जताई है, जिसकी वजह से प्रदेश कमेटी में स्थान नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री विनोद तावड़े का टिकट काट दिया गया था। विधान परिषद चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन उसमें भी उनका नंबर नहीं लगा। इसी तरह पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे विधानसभा चुनाव में अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हार गई थी। उन्हें हराने में पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का हाथ होने का भी आरोप लगाया गया था। पंकजा मुंडे ने भी खुलकर नाराजगी भी जाहिर की थी। पार्टी में इस बात की भी चर्चा शुरू हुई थी कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पार्टी ने ही उन्हें विधान परिषद का टिकट नहीं दिया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तावड़े और मुंडे को अपनी टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।